हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सारे लोग? ओके, जल्दी से सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए भाई, ठीक है। बोल रहे हैं बारिश हो रही है, छाता लगाए हुए हैं। ओके, राहुल राज, ऋषभ, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कल की क्लास में हम लोगों ने किया था क्वाड्रिलेटरल से इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रिलेटरल में हम क्या पढ़ेंगे और किस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे और कैसे उसका सोल्यूशन किया जाएगा, कितने टाइप्स के मेथड होंगे और उसको हम लोग कैसे कैसे देखेंगे। तो बस सारा का सारा जो है इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका था कल की क्लास में, और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.1, उसका सोल्यूशन। और उसके बाद मैं आपको एक एक करके अलग अलग टाइप्स के मेथड बताते चलूँगा और उसको सॉल्व करते चलूँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सर सत्यम, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एक्सरसाइज जो 4.1 है उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए भी थे और वापस से आज क्वेश्चन वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था और पहला का पहला तक हो चुका था, फोर तक हो चुका था। फाइव से शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें सारी की सारी एक ही हैं, आपको समझ आ जाएंगी। और फाइव नंबर का क्वेश्चन बोलता है 2x-1 इंटू x-3 इंटू x-3 इज इक्वल टू x+5 इंटू x-1। और आपसे ये पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर का होना। तो आप एक्स स्क्वायर पर फोकस करो ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² बनेगा और इस तरफ में x इंटू एक्स बनेगा x² और इस तरफ माइनस आ करके रहेगा तो x² तो बन जाएगा, तो x² तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका आंसर क्या होगा सर, यस होगा। ओके, सिक्स पे बात कर लेते हैं, अदरवाइज आप पूरी तरीके से बना के सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x² माइनस का 6x और माइनस x और प्लस का 3 इज इक्वल टू x² - x + 5x और माइनस का 5। 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू x² + 4x - 5। 2x² - 7x + 3 और इस तरफ -x² - 4x + 5 इज इक्वल टू 0। इस तरफ से सब इस तरफ गया, इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। एक 2x² से x² गया x² और -11x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो आप मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। और सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x-2² अगर आप देखो सर, x-2² करोगे तो कुछ x² - 4x - 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और इस तरफ x² + 3x + 1 हो जाएगा। x² से x² कैंसिल आउट, 3x + 1 इज इक्वल टू -4x + 4। कहीं तो x² नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और आपका आंसर नो होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सेवन का देख लेते हैं, सेवन का क्या बोलता है, x - x+2 का होल क्यू अगर बात कर रहा है, होल क्यू की बात कर रहा है और इज इक्वल टू 2x - 1 है शायद, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 का होल क्यू करोगे तो आप जानते हो कि a³ + b³ + 3a² - b यानी 6x² प्लस 3ab² यानी कि 4 × 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x हो जाएगा और x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ x² बच जाएगा, तो ये होगा यस। सेवन का नो किसका आंसर था, यस होगा सेवन का, एक बार देख लो, यस होगा, ठीक है। एट का देख लो एक बार,
एट का बोलता है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यू। देख लो सौम्य करके जो नाम है, आपका आंसर नो है लेकिन यस है यहाँ। हाँ बिल्कुल राहुल राज, तो देखिए यहाँ पे करते हैं एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू का होल क्यू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर चलते हैं 12 एक्स, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा और यहाँ पे चार एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे छः एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सर, यस हो जाएगा। रजनीश राज गुड मॉर्निंग मेरे भाई, का गलत है मेरा, गलत है लेट मी चेक फर्स्ट, कर लेते हैं एक बार कैसे गलत है मेरा, आप मुझे बताओ। एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर चलती है 12 एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यू टू एक्स क्यू। एक सेकेंड, हाँ मेरा गलत है, हाँ मेरा गलत है, टू एक्स क्यू था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स क्यू रह जाएगा क्योंकि इधर एक्स क्यू है केवल, है ना, तो यहाँ पे एक्स क्यू के फॉर्म में आ जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। हाँ मेरा गलत था, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, हम इसको एक्स क्यू मान लिए थे और इसको भी एक्स क्यू समझ रहे थे, दोनों को कैंसिल आउट कर दिए, लेकिन नहीं एक्स क्यू रह जाएगा तो यहाँ पे नो होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, नो होगा क्योंकि टू एक्स क्यू से एक्स क्यू माइनस होगा तो एक्स क्यू रह जाएगा, तो एक्स क्यू तो नहीं होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अब ठीक है नो होगा और ये यस होगा। ठीक है बढ़िया। हाँ अब आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का ऐसा पिछले क्लास में कमेंट आया था, एक नाइन्थ क्लास में, कि सर लीनियर इक्वेशन का टोटल क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट इक्वेशन बनाना ही नहीं आता जो लैंग्वेज होता है, तो ध्यान से यहाँ पे भी अगर वो स्टूडेंट हो तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, मैं आपको वही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है चलिए देखिए, टू नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले टू सेकंड नंबर में क्वेश्चन बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे सिचुएशन बोलते हैं सॉल्व स्लो। ओके ठीक है स्लो सॉल्व करेंगे, अच्छी बात है। तो जो नीचे लैंग्वेज दी गई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल लाना है, सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सॉल्व करने का तरीका ही अब तक नहीं बताया गया आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को आता होगा, पहले से पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी उसको सॉल्व करने यहाँ पे नहीं बोला एक्सरसाइज में क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग आपको नहीं बताया है मेथड। इसके बाद मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड एंड उसके बाद पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड उसके बाद पढ़ेंगे श्रीधराचार्य। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है सर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसकी जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया ये दे रखा है सर 528 मीटर स्क्वायर। बढ़िया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, एक सेकेंड थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा। हाँ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसका ब्रेथ होगा ये मानते हैं ब्रेथ है और ये मानते हैं कि लेंथ है। ये जो लेंथ है वो जो ब्रेथ है उससे डबल से एक ज़्यादा है, डबल से एक ज़्यादा है। बढ़िया बात है। तो आप इसको इस फॉर्म में मान करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप जो ब्रेथ है उसको x मान लो तो ये जो लेंथ बनेगा वो 2 इंटू एक्स प्लस 1 बन जाएगा। बढ़िया बात, आगे बात करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हो कि एरिया, यहाँ पे आप मान लेना लेट द ब्रेथ
इज इक्वल टू एक्स। सो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस से एक ज़्यादा है, और ये सभी किस चीज़ में है सर, मीटर में है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपका वो सर लेंथ इन तो विड्थ होता है, बढ़िया बात। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 1528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ भी आपको दे रखा है 2x प्लस 1 मीटर इंटू, विड्थ भी आपको देख रखा है x मीटर, और आप यहां देखोगे तो 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि यूनिट क्या हो जाते हैं सर, कैंसिल आउट होते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम यूनिट को इग्नोर मार के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट को इग्नोर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बन जाएगा सर 528 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू 1x, क्लियर है बातें, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 528 इस तरफ आएगा तो माइनस का 528, और इस तरफ तो कुछ बचा नहीं सर, तो क्या बचेगा, जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है आपको, और इसी फॉर्म में तो लाने कहा था, बोलो आप समझ में आया, स्लो स्लो समझाए हैं, बोलो नहीं आया तो वापस से समझाते हैं। रजनीश, राहुल, ऋषभ कमेंट करो जल्दी जल्दी, सारे के सारे लोग समझ आया, बढ़िया, ठीक। एक्चुअली जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे कल की क्लास में तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर नंबर किसको कहते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। यहाँ पे बोला है पॉजिटिव इंटीजर लेना, यानी कि सारी की सारी नंबर ही क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, और साथ के साथ हम बना लिए, ओके बढ़िया है, साथ के साथ कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि अगर 5 लिखते हो कोई पॉजिटिव नंबर तो इसके बाद जो है पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 6। इसका एक ज़्यादा अगर आप 100 लिखते हो तो इसका आगे वाला, जस्ट आगे वाला ही क्या कहलाएगा, इसका कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सर लगातार, तो दो लगातार संख्याओं का जो है प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमें ज़रूरत है कि उस इंटीजर को फाइंड आउट करने की। तो आप क्या मानना सर कि लेट द फर्स्ट इंटीजर इज एक्स, सो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है तो जस्ट इससे एक आगे होगा, एक्स प्लस वन होगा, ध्यान से समझना। अगर कंसेक्यूटिव बोला है तो अगर एक्स है तो जस्ट इसके आगे वाला यानी एक ज़्यादा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 306, इस तरफ कुछ नहीं रहा तो ज़ीरो। क्वेश्चन में इतना ही करने बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला दो का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में बोला है कि इसको हमको नंबर की ज़रूरत है, तो इसको सॉल्व करके आप नंबर निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये मेथड सॉल्व करना बताया नहीं इस इक्वेशन को, तो अभी इन सभी चीज़ों को यहीं तक रोकेंगे, उसके बाद जब सॉल्व करना बता देंगे तो आप सारे के सारे इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेना। सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं हम लोग,
सेकंड की अगर थर्ड नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल उम्र में क्या है ओल्डर है यानी कि बड़ी है। जैसे अगर रोहन की आयु यानी रोहन की उम्र जो है एज जो है 10 साल की है तो उसकी माता जी की आयु 26 साल ज़्यादा यानी कि 10 प्लस 26 36 साल की है। बोलो समझ आया। द प्रोडक्ट ऑफ एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब बोल रहा है 3 ईयर्स नाउ अब से जो है देयर एजेस अब से जो है 3 साल बाद उसको लिखना चाहिए आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ लिखना चाहिए था विल बी 360। अब से जो है 3 साल बाद अगो लिखा या क्या लिखा है आफ्टर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी हाँ ठीक है बिल भी लिखा है मतलब आगे 3 साल बाद जो है दोनों के प्रोडक्ट जो एज होगा उसका प्रोडक्ट 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स पेरेंट्स एज प्रेजेंट एज। तो वर्तमान में रोहन की आयु आपसे पूछ रखा है। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जो आपसे पूछेगा आपको वही मानना पड़ेगा। आपसे पूछा है रोहन की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज तो आपको रोहन की प्रेजेंट एज ही माननी होगी। तो लिख लीजिएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एज एक्स सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर उसकी मम्मी की प्रेजेंट आयु क्या हो जाएगा इससे तो एक्स 26 ईयर बड़ी है तो ज़्यादा हो जाएगा 26 इतना ईयर्स हो जाएगा। बोलो ये तो समझ आया सभी स्टूडेंट को। आगे बात करते हैं एक्स अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद तो 3 साल बाद यानी आज अगर एक्स साल का है तो 3 साल बाद ये एक्स प्लस 3 होगा ना हाँ ना बोलो। 3 साल बाद की अगर एज की बात करी जाए अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी एज जो है आज 10 ईयर्स की है और कोई दूसरा बंदा है जिसकी एज जो है आज 20 ईयर्स की है तो आप मुझे बताओ 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा। तो 3 साल बाद तो मेरा 13 ईयर हो जाएगा और उसका 23 ईयर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम 10 × 20 नहीं करके 13 × 23 करेंगे बिल्कुल। तो वही करना है कि 3 साल बाद आज एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा और अगर उसकी मम्मी एक्स प्लस 26 है आज तो 3 ईयर बाद जो है एक्स प्लस 29 हो जाएगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा 360। बोलो हाँ ना। अच्छा अब मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आप मल्टीप्लाई करना जानते हो कि पहले x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस 3 को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करो और अब जा कर के ये 360 बनेगा। x × x x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 बिल्कुल। x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू इस तरफ कुछ नहीं बचा जीरो। x² प्लस 32x और माइनस में ये आंसर हो जाएगा और बनेगा 273 इज इक्वल टू ज़ीरो और ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये ठीक है। बढ़िया आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्लियर बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
गुड मॉर्निंग सौरभ। क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव ट्रेवल्ड इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड। तो आपको क्या करना है, लेट द स्पीड, फोर्थ नंबर, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। एक्स किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस आपको दे दिया गया है कितना, 480 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम बताओ, तो टाइम आप आसानी से बता सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितने आवर का टाइम लगेगा, 480 अपॉन एक्स, इतने आवर्स का टाइम लग जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर लेस देन होता जो स्पीड है ट्रेन की, उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन होता, कम होता, यानी कि जो स्पीड है ट्रेन की वो x माइनस 8 हो जाती, तो जो टाइम लगता वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगता, जो कि ये जो नॉर्मल टाइम है अपना, इससे ये 3 hours ज़्यादा होता, 3 hours ज़्यादा होता। कहने का मतलब है कि अगर इस वाले टाइम से इस वाले टाइम को अगर माइनस करोगे तो आपको कितना आवर मिलेगा, 3 hours मिलेगा। ये चीज़ समझ आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये चीज़ समझ आया या नहीं आया, मैंने कहा कि ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड थी वो 1 किलोमीटर पर आवर मान लो, तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया गया है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 480 अपॉन एक्स, इतना आवर का टाइम लगेगा। ये नॉर्मल टाइम लगता जितने नॉर्मल स्पीड से गया होता तो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि वो ट्रेन इस स्पीड से नहीं गया है, बल्कि 8 किलोमीटर आवर जो स्पीड है इसकी वो कम गया है, कम यानी कि घट चुका है, तो उसकी जो स्पीड है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस तो उतना ही जाना है उसे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगा, और इतना जो टाइम लगा कम स्पीड से चलने की वजह से, वो जो नॉर्मल स्पीड से चलने से जो टाइम था उससे 3 hours ज़्यादा लगा। मतलब इस वाले टाइम से जो नॉर्मल टाइम था अगर माइनस कर दिया जाए तो 3 hours बच जाएगा, तीन घंटे का जो है टाइम हमें मिल जाएगा। ये ज़्यादा है ये कम है, और कितना ज़्यादा है, 3, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। बढ़िया, समझ आया सबको, कमेंट करो। अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लो ना, x माइनस 8 और x का एलसीएम लोगे तो x माइनस 8 इंटू x मिल जाएगा, और ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 480 x माइनस ये से ये कैंसिल आउट होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, यानी 480 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हो जाएगा 480x प्लस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, और ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बच जाएगा केवल 3840, और ये जाके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और 3x स्क्वायर माइनस का 24x, और ये इस तरफ माइनस हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाए, अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x, और माइनस का बन जाएगा ये 1 और ये इतना इज इक्वल टू 0, और ये इस तरफ आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा सर, 0। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0, ये आपका
आंसर होगा। बोलो, बाकी कैलकुलेशन है आपको बेसिक इतना ही समझना है, बाकी की ये है जो कैलकुलेशन है जो आप सबने सीख करके आया हुआ है पहले से। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ, ठीक है, कैसे इन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो आप सबके सब। राहुल राज ने लिखा है आई विल अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे ये बताओ। विल फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो आप ये कह रहे हो कि मैं फ्यूचर में समझ लूँगा, अभी नहीं समझा, फ्यूचर में समझोगे। आई अंडरस्टूड लिखो, ठीक है, मैंने समझा, अगर लिखना ही है तो ठीक है। राहुल ओके, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हेडिंग लगा लीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो आपने क्लास 7 और 8 में सीख करके आए हुए हो। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और इसको अगर इक्वल कर दिया जाए 0 के तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जिस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने का तरीका सीखा हुआ है वही तरीका यहाँ भी यूज होगा इस चीज़ को सॉल्व करने में। और इस चीज़ को सॉल्व करने में आप सब ये जानते हो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है 10x² = 10x² और बीच वाले टर्म को जो है स्प्लिट अप किया जाता है और दो ऐसे स्प्लिट अप किया जाता है, जैसे 7x है तो इसको ऐसे लिख सकते हो x + 6x, 2x + 5x, 3x + 4x, है ना, फिर 4x + 3x, तो दोनों इक्वल होने लगा, दोनों रिपीट होने लगा, तो वहाँ से बंद कर देंगे इस चीज़ को। अब ये तो सब मिला करके 7x बनेगा, ये तो टोटल के टोटल क्या बनेगा सर, 7x। तो 7x को लिखने का तीन तरीका अभी फ़िलहाल हमको मिल चुका है, लेकिन इन तीनों तरीके में से कोई एक ही यहाँ पे लिखा जाएगा, और वो एक कौन सा लिखा जाएगा वो कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट निकालने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² नहीं जमेगा, क्योंकि हमें लाना कितना है 10x², 5 × 2 = 10x², ये जम जाएगा क्योंकि ये है, 3 × 4 = 12x², ये भी नहीं जमेगा, हमें 10x² आना चाहिए प्रोडक्ट के तौर पे, और ये मिलता है केवल और केवल इससे। तो 7x को लिखने का तरीका हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, 2x + 5x, और प्लस का 10 है तो प्लस का 10 = 0। इन दोनों का आप जोड़ा लगाएंगे, पेयर बनाएंगे, और यहाँ से x को कॉमन लेंगे और यहाँ बनेगा x + 2, और प्लस 5 दोनों में कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0। क्लियर है? उसके बाद यहाँ इन दोनों का पेयर बनेगा और इसमें x + 2 कॉमन आ जाएगा x + 2, और यहाँ बनेगा x और यहाँ पे बच जाएगा 5 = 0। अब मैं ये कहता हूँ कि ये कोई डिजिट है और ये भी कोई डिजिट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0। तो 2 डिजिट का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों में से कोई एक डिजिट 0 हो। जैसे कि मैं ये कहता हूँ 0 × 5 कर दो सर तो भी आपको 0 मिलेगा, या 5 × 0 कर दो सर तो भी आपको 0 मिलेगा, या 0 × 0 कर दो सर तो भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 है इक्वल में, इसका मतलब है कि चाहे तो ये 0 रहा होगा, चाहे तो दूसरा वाला 0 रहा होगा, चाहे तो दोनों 0 रहा होगा, हमें यहाँ पे श्योर नहीं है कि कौन 0 है, ये भी 0 हो सकता है
हो सकता है कि ये जीरो ना हो, ये जीरो हो सकता है दोनों जीरो हो। तो हम यहाँ पे ये करके चलेंगे कि इफ़ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और इफ़ एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो ये जो माइनस टू और जो माइनस फाइव आया है इसी को कहते हैं रूट्स, और इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बात क्लियर हुई या नहीं हुई आप मुझे कमेंट में जवाब दो। अच्छा ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, और आपको जो पहला क्वेश्चन था सेकंड का उसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये तो हलवा टाइप का था, बच्चा वाला था, छोटी छोटी बातें थी, तो आपको तो आता ही है। ओके, मिटा रहे इस सवाल को, फिर भी नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। एक्चुअली उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये 7-8 में अच्छे से पढ़ा होगा। बढ़िया, क्लियर हो गया नहीं सौम्या? आपको ये क्लियर हो चुका होगा पहले से, ये 7-8 की चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। अब पहला वाला जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 to 8, और इसको मैंने सॉल्व करके बनाया था x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0, ये मैंने बनाया था। इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करने का वही तरीका होगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1056x स्क्वायर। अब x को आपको वैसे लिखना है, x को स्प्लिट अप करके ऐसे लिखना है। कैसे लिखोगे, कोई स्टूडेंट है जो बता सकता है? देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। इस 1056 को फैक्टराइजेशन करना है, ये अब इसमें करना है 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32 और 11 × 3 = 33। तो ये दो का पेयर बन गया 33x - 32x। देखो 33x में से 32x माइनस होगा तो x बन जाएगा 33x और 32x, प्लस का 33 और माइनस का 32x, तो x बनेगा। और आप जानते हो ये फैक्टराइजेशन ही किसका हुआ है, 1056 का, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, तो आसानी से हमको मिल गया। तो इसको फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेंगे, प्लस 33x माइनस 32x माइनस का 520 इज इक्वल टू 0, और x कॉमा लेंगे तो 2x प्लस का 33 और माइनस का क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ से सर, 16x कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। इन दोनों जगहों से 2x प्लस 33 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 कॉमन हो जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इफ़ 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू माइनस 33 और x इज इक्वल टू माइनस 33/2, और इफ़ x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 16। आप मुझे बताओ कभी भी लेंथ माइनस में हो सकती है क्या? नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल लिखना, इट इज नॉट पॉसिबल, ये x की वैल्यू हो ही नहीं सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लेंथ पूछा था और लेंथ माइनस में कभी नहीं हो सकता, लेंथ प्लस में हो सकता है, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। जैसे आप कभी भी फाइंड आउट कर रहे हो एज, और एज कभी नेगेटिव आ नहीं सकता है, तो जो नेगेटिव होगा वो नॉट पॉसिबल होगा, दूसरा जो पॉजिटिव आएगा वो पॉसिबल होगा, तो आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दो नई बातें सिखाई, ठीक है, एक तो ये और दूसरा नॉट पॉसिबल और पॉसिबल। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताना है आपको। हाँ जी, चलो बताओ आप जल्दी से कमेंट करो,
हो गया क्लियर, ये दोबारा बताना है? ओके चलिए, अच्छी बात है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताया और एक दो एग्जांपल भी बताया सिखाया, और बाकी जो डिटेल में है इसके बारे में कल चर्चा की जाएगी कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम की क्लास में।